Good morning, friends. Operator chat box, please. Good morning to you, all branches. Good morning, Junagadh. Kishangarh video is not coming. Bapi Shubhprabhat. Raja Raja Mathura. Operator chat box ko thoda right mein lijiye. नेमो ब्रांच दिखाई नहीं दे रहा हूं. यस ऑल ब्रांचेस गुड मॉर्निंग औरंगाबाद फाइन लास्ट लेक्चर Yes, friends, good morning to all of you. Let's continue. Students, last time when we met, हमने कंपनी फाइनल अकाउंट फिनिश किया था. Now, अगर हम आपका सिलेबस देखें, पर्टिकुलरली एडवांस अकाउंटिंग का, then in advanced accounts you have some format chapters. Totally agar pura syllabus dekhne jaye hum log students to group 1 mein final account of company ek format chapter, group 2 mein बैंकिंग कंपनी, सेकंड फाइनल अकाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो आप सिलेबस से निकल चुका, थर्ड फाइनल अकाउंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी कोल्हापुर, ठीक है अभी, एंड लास्ट अकाउंटिंग फॉर लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज. फॉर्मेट चैप्टर का मतलब जिस चैप्टर के सॉल्यूशन एक पर्टिकुलर फॉर्मेट पे डिपेंडेंट है, जो फॉर्मेट उस कंसर्न एक्ट में दिए गए हैं, उस एक्ट में दिए गए फॉर्मेट्स हम फॉलो करेंगे और स्ट्रिक्टली उसी फॉर्मेट के हिसाब से सॉल्यूशन बनाएंगे. टुडे आई एम स्टार्टिंग विथ फाइनल अकाउंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी. अगर हम इंडिया की बात करें फ्रेंड्स, तो इंश्योरेंस सेक्टर इंडिया का it is governed by IRDA, that is Insurance Regulatory Development Authority of India. अगर हम अकाउंटेंसी की बात करते हैं स्टूडेंट्स,
अकॉर्डिंग टू दैट इंश्योरेंस इज क्लासिफाइड इन टू पार्ट, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस. नाम से ही पता चलता है स्टूडेंट्स, लाइफ इंश्योरेंस मीन्स इंश्योरेंस ऑन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. एक इंडिविजुअल की लाइफ का इंश्योरेंस बहुत कॉमन है, हर एक फैमिली में, हर एक घर में होगा. अगर हम ग्रुप की बात करें तो आपने सीबीटी में देखा था पार्टनरशिप चैप्टर में, अगर आपको याद हो, दैट वॉज जॉइंट लाइफ पॉलिसी पार्टनरशिप चैप्टर में. सो अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी वॉज पॉलिसी ऑन द लाइफ ऑफ ऑल पार्टनर्स, तो वो एक ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी हो जाती है. टैक्सेशन सब्जेक्ट में आपने देखा होगा कीमेंस इंश्योरेंस पॉलिसी. सो ये सारे कौन सी पॉलिसीज हो गई, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. जनरल इंश्योरेंस के लिए एक्ट में ये लिखा है कि अगर कुछ मिस नहीं हुआ है चिंता मत कीजिए, सिर्फ इतना समझाएगा IRDA इंश्योरेंस सेक्टर को गवर्न करता है इंडिया में. टू टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ एंड जनरल. लाइफ इंश्योरेंस इज इंश्योरेंस ऑन लाइफ ऑफ वन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन. अब व्हाट इज जनरल इंश्योरेंस, तो एक्ट में उसकी नेगेटिव डेफिनेशन है. एक्ट में लिखा गया है एनी इंश्योरेंस विच इज नॉट अ लाइफ इंश्योरेंस इज जनरल इंश्योरेंस. कोई भी इंश्योरेंस जो लाइफ इंश्योरेंस नहीं है वो जनरल इंश्योरेंस. अगर हम अकाउंटेंसी की बात करें स्टूडेंट्स, तो जनरल इंश्योरेंस इज फर्दर क्लासिफाइड इन थ्री पार्ट्स, मराइन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मिसलेनियस इंश्योरेंस. मराइन नाम से ही पता चलता है, इंश्योरेंस रिलेटिंग टू शिप्स एंड वेसल्स, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए खास करके यूज होती है, कार्गो शिप्स पर्टिकुलरली. सो उनका इंश्योरेंस वो आ जाएगा मराइन में. फायर इंश्योरेंस एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको. एंड मिसलेनियस इंश्योरेंस, मिसलेनियस इज अदर देन फायर एंड मरीन. फायर और मरीन के अलावा जो भी इंश्योरेंस होंगे वो सारे इंश्योरेंस मिसलेनियस में आएंगे. एग्जाम्पल, मेडिकल इंश्योरेंस जिसको मेडिक्लेम कहते हैं, इंश्योरेंस फॉर रॉबरी, इंश्योरेंस फॉर एनी नेचुरल कैलेमिटी, ये सब मिसलेनियस में आ जाएंगे. अब जब हम फाइनल अकाउंट की बात करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के फाइनल अकाउंट की, कोई भी एक नॉर्मल क्वेश्चनर कोई पूछ ले हमें किसका फाइनल अकाउंट बनाइए, तो हम ये कहते थे आज तक कि फाइनल अकाउंट में तीन चीज बनती है, ट्रेडिंग, PNL एंड बैलेंस शीट. ऑफ कोर्स ये इंश्योरेंस कंपनी है, सर्विस सेक्टर में है, तो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बन सकता. सो व्हाट विल वी प्रिपेयर, फाइनल अकाउंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी विल गवर्न प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग के बदले एक अकाउंट बनेगा कॉल्ड एज
रेवेन्यू अकाउंट, दूसरा पीएनएल अकाउंट, एंड लास्ट बैलेंस शीट। सो फाइनल अकाउंट में हम तीन चीज बनाएंगे, रेवेन्यू, पीएनएल एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग के बदले बनेगा रेवेन्यू। अगर इलेवेंथ में आपने सीखा था ट्रेडिंग और पीएनएल का डिफरेंस क्या था, तो डिफरेंस ये था, ट्रेडिंग में हम हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस और इनकम को लिखते हैं, पीएनएल में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनकम को लिखते हैं। वैसे यहां पर होगा, इंश्योरेंस कंपनी के रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंस इनकम रेवेन्यू अकाउंट में आएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनकम पीएनएल में अकाउंट में आएंगे। जब सॉल्यूशंस करेंगे तो ज्यादा डेप्थ में पता चलेगा एक्चुअली क्या कहां पर आएगा। दो तीन जगह पर ऐसे भी हैं कि जो ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग का मतलब एक्ट परमिट्स यू, आप चाहो तो रेवेन्यू में भी लिख सको, आप चाहो तो उसे पीएनएल में भी लिख सको। वो जब आगे हम पढ़ेंगे तब सिखा जाएगा। सो रेवेन्यू, पीएनएल एंड बैलेंस शीट, व्हाट आर यू गोइंग टू हैव? रेवेन्यू, पीएनएल और बैलेंस शीट में हम क्या क्या करने वाले हैं? रेवेन्यू, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड डायरेक्ट इनकम, पीएनएल, इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट इनकम, और बैलेंस शीट तो आप सबको पता है, इट इज अ स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजिशन। अगर हम प्रिसाइसली देखें स्टूडेंट्स, तो ये जो फॉर्मेट्स दिए गए हैं क्वेश्चन में, फाइनल अकाउंट फॉर लाइफ इंश्योरेंस इज गिवन इन फॉर्म ए, वेर एज इन मरीन इंश्योरेंस इज गिवन इन फॉर्म बी। कोल्हापुर आप वहां पर कोई चेक कीजिए आपके यहां पर कोई प्रॉब्लम हो तो, बिकॉज देयर इज अ माइक्रोफोन प्रॉब्लम गोइंग ऑन देयर, हमारे यहां पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। सो प्लीज सी, सो फाइनल अकाउंट इज गवर्न्ड आइदर बाय फॉर्म ए, लाइफ इंश्योरेंस का फाइनल अकाउंट फॉर्म ए में आएगा, जनरल इंश्योरेंस का फॉर्म बी में आएगा। अगर परफेक्ट देखने जाए स्टूडेंट्स, और डेप्थ में देखने जाए, तो रेवेन्यू अकाउंट ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस इज गिवन इन फॉर्म ए आर ए, फॉर्म ए आर ए। ए आर ए का मतलब क्या? फॉर्म ए रेवेन्यू अकाउंट, और ए का मतलब आएगा लाइफ इंश्योरेंस, आर ए इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ रेवेन्यू अकाउंट। तो ए आर ए का मतलब क्या? ए का मतलब लाइफ इंश्योरेंस, आर ए का मतलब रेवेन्यू अकाउंट। उसी तरह से पीएनएल का फॉर्मेट दिया गया है, फॉर्म एपीएल में, और बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया गया है फॉर्म एबीएस में। अगर हम जनरल इंश्योरेंस का देखें तो फॉर्म बी आर ए, फॉर्म बी यानी जनरल इंश्योरेंस, आर ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ रेवेन्यू अकाउंट, फॉर्म BPL एंड लास्ट वन फॉर्म BBS। सो जब हम सॉल्यूशंस बनाएंगे तो सॉल्यूशंस में इस वर्ड का यूज करेंगे हम लोग, फॉर्म APL, ARA, BPL, BBS वगैरह वगैरह। ऑफकोर्स ICA ने वो कंपलसरी नहीं किया, अगर हम टेक्निकली ज्यादा लिखेंगे तो इट विल गिव वेटेज टू योर आंसर। सो एक बेसिक क्राइटेरिया हुआ, बेसिक फॉर्मेट की बातें हुई।
एग्जाम में फाइनल अकाउंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी जो अपना टॉपिक है वो एडवांस अकाउंट्स यानी ग्रुप टू अकाउंट्स में है। नॉर्मल वेटेज बिटवीन 8 मार्क्स टू 16 मार्क्स, 8 मार्क्स से लेकर 16 मार्क्स तक का वेटेज इस चैप्टर को दिया गया है। आई रिपीट माय स्टेटमेंट, जो चैप्टर है वो चैप्टर फॉर्मेट चैप्टर का है। एक बार हमें फॉर्मेट ठीक से याद रह गए, बाकी के सॉल्यूशंस अपने आप जनरेट होंगे। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हम टारगेट कर रहे हैं रेवेन्यू अकाउंट पे। रेवेन्यू अकाउंट यानी डायरेक्ट एक्सपेंस एंड डायरेक्ट इनकम। अब कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अगर हम देखते हैं स्टूडेंट्स, तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का बिगेस्ट इनकम इज प्रीमियम इनकम। आपको ये अज्यूम करना है आप इंश्योरेंस कंपनी हो। सो एज अ इंश्योरेंस कंपनी यू विल गेट प्रीमियम फ्रॉम पॉलिसी होल्डर्स। इंश्योरेंस कंपनी और पॉलिसी होल्डर इंश्योरेंस कंपनी को टेक्निकली कहा जाता है इंश्योरर और पॉलिसी होल्डर को कहा जाता है इंश्योर्ड। सो इंश्योरेंस कंपनी और पॉलिसी होल्डर, उन दोनों का जो रिलेशनशिप होता है उस रिलेशनशिप को कहा जाता है डायरेक्ट बिजनेस। डायरेक्ट बिजनेस मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। प्रीमियम इज अ डायरेक्ट इनकम। सबसे बड़ा एक्सपेंस अगर हम इंश्योरेंस कंपनी का देखें तो क्लेम इज अ बिगेस्ट एक्सपेंस एंड सेकेंड बिगेस्ट एक्सपेंस इज कमीशन। सो बिगेस्ट इनकम प्रीमियम, बिगेस्ट एक्सपेंस क्लेम एंड कमीशन। ये रिलेशनशिप हुआ कंपनी और पॉलिसी होल्डर का। प्रैक्टिकल लाइफ में और एक इंश्योरेंस की वैरायटी भी अवेलेबल है जहां पर रिलेशनशिप होगी दो इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। डायरेक्ट बिजनेस में क्या हो रहा है, रिलेशनशिप इज बिटवीन कंपनी एंड पॉलिसी होल्डर। नाउ रिलेशनशिप विल बी बिटवीन वन इंश्योरेंस कंपनी एंड अनदर इंश्योरेंस कंपनी, उसे हम कहेंगे री इंश्योरेंस। रिलेशनशिप बिटवीन वन इंश्योरेंस कंपनी एंड अनदर इंश्योरेंस कंपनी इज कॉल्ड एज अ री इंश्योरेंस। ये कब होगा फ्रेंड्स, समझिए आपकी इंश्योरेंस कंपनी है और आपकी इंश्योरेंस कंपनी के पास ओवरलोड वर्क है। ये कंपनी इज वेरी फेमस इन द मार्केट। से फॉर एग्जाम्पल फायर इंश्योरेंस के लिए आपकी कंपनी मानी जाती है। सो जितने बिजनेसमैन को जितने प्रॉपर्टी ऑनर्स को फायर इंश्योरेंस पॉलिसी निकालनी होती है दे ऑलवेज कम डाउन टू यू। सो यू हैव एन एक्सेसिव वर्कलोड। अगर एक्सेसिव वर्कलोड है आपके पास तो उतना काम आप शायद ना कर पाओ।
सेकेंड थिंग, इंश्योरेंस एक रिस्क बिजनेस है स्टूडेंट्स। ज्यादा पॉलिसीज लेंगे तो हमारी कंपनी के ऊपर ज्यादा रिस्क आएगा। समटाइम्स अगर कभी अचानक से क्लेम आ गए, दिस इज पॉसिबल इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज, और नेचुरल कैलेमिटीज जब भी आती एक साथ क्लेम होते हैं एक ही एरिया से, प्रॉपर्टी के भी क्लेम आएंगे, जनरल इंश्योरेंस के और लाइफ के भी क्लेम आएंगे। तो उस वक्त अगर एक साथ क्लेम आया आपके इंश्योरेंस कंपनी पे, तो आपकी कंपनी शायद उसे पे नहीं कर पाएगी। तो व्हाट आवर इंश्योरेंस कंपनी विल डू, अगर हमारे पास ज्यादा वर्कलोड है तो उसमें से थोड़ी पॉलिसीज हम दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को पास कर देंगे। एक वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, कॉल्ड एज आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या, एक इंश्योरेंस कंपनी दूसरे इंश्योरेंस कंपनी को अपना काम अलोकेट कर देगी। तो जब दो इंश्योरेंस कंपनी के बीच में ट्रांजैक्शन होंगे तो हम उसे कहेंगे री इंश्योरेंस। आपकी कंपनी जिसके पास वर्कलोड ज्यादा है वो आपकी कंपनी, योर कंपनी विल गिव वर्क टू अनदर कंपनी। आपकी कंपनी ने पॉलिसी किसी और कंपनी को दी तो आपकी कंपनी के लिए कहा जाएगा री इंश्योरेंस सीडेड, आपने री इंश्योरेंस किसी को दिया। और वो कंपनी जिसको री इंश्योरेंस मिला उसके लिए वर्ड आएगा री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। आपने दिया उसके लिए सीडेड, उन्होंने री इंश्योरेंस लिया उसके लिए वर्ड होगा एक्सेप्टेड। नाउ थिंक ऑफ फॉर अ व्हाइल, आपकी कंपनी ने पॉलिसीज दूसरी कंपनी को दी, अगर आपकी कंपनी दूसरी कंपनी को पॉलिसी देगी स्टूडेंट्स, तो सीधी बात है हमारी कंपनी को उस कंपनी को प्रीमियम देना पड़ेगा, विदाउट प्रीमियम तो कंपनी पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो हमारी कंपनी जो री इंश्योरेंस दे रही है जो री इंश्योरेंस को सीड कर रही है, हमें उनको प्रीमियम का पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, हमारे लिए प्रीमियम क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। एंड बट नेचुरल, जो हमारे लिए प्रीमियम एक्सपेंस है, जिस कंपनी को ये पॉलिसीज हमने दी, जिसने री इंश्योरेंस को एक्सेप्ट किया, उनके लिए ये री इंश्योरेंस इनकम हो जाएगा। श्योर एवरीवन, तो एक री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड है, दूसरा है री इंश्योरेंस सीडेड। आपकी कंपनी ने री इंश्योरेंस दिया तो सीडेड, दूसरी कंपनी को री इंश्योरेंस मिला तो एक्सेप्टेड। नाउ थिंक ऑफ, जो पॉलिसीज हमने उस कंपनी को दी, प्रीमियम वी पेड देम, तो जब क्लेम का पार्ट आएगा तो वो कंपनी हमें क्लेम देगी और ये क्लेम हम बाद में पॉलिसी होल्डर को दे देंगे। लेकिन हम दोनों कंपनी के बीच में रिलेशन क्या हुआ, वो कंपनी हमें क्लेम देगी, हमें क्लेम देगी मीन्स व्हाट, हमारे लिए क्लेम क्या हो जाएगा, इनकम, और उस कंपनी के लिए क्लेम हो जाएगा एक्सपेंस। ऑफ कोर्स प्रिसाइसली देखने जाओ तो हमारे लिए क्लेम इनकम भी नहीं है, उस कंपनी से हम क्लेम लेंगे और फिर वो क्लेम का पैसा हम पॉलिसी होल्डर को दे देंगे। लेकिन जब पॉलिसी होल्डर को देंगे तो कौन सा बिजनेस कहा जाएगा, डायरेक्ट बिजनेस। एंड लास्ट पॉइंट, समझिए हमारी कंपनी ने जितनी पॉलिसीज थी हमारे पास, उसमें से 40% पॉलिसी उस इंश्योरेंस कंपनी को दी थी, क्योंकि एक्सेस वर्कलोड था हमारे पास। तो अगर हम 40% बिजनेस दे रहे हैं उस कंपनी को,
तो क्लियरली वो कंपनी को एक बहुत बड़ा बिजनेस मिला हमारी ओर से। मतलब ये कि हम वी आर एक्टिंग लाइक एन एजेंट ऑफ दैट कंपनी। इफ वी आर एक्टिंग लाइक एन एजेंट ऑफ दैट कंपनी तो वो कंपनी हमें कमीशन देगी। तो मतलब क्या होगा, हमारे लिए कमीशन इनकम हो जाएगा, जबकि उस री इंश्योरेंस कंपनी के लिए कमीशन एक्सपेंस हो जाएगा। सो ये एक डायरेक्ट बिजनेस है और दूसरा री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस आर ऑफ टू टाइप्स, एक्सेप्टेड एंड सीडेड। अब अगर आप ये कंपेरेटिव टेबल देखोगे स्टूडेंट्स, तो यू विल रियलाइज दैट डायरेक्ट बिजनेस और री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड तीनों जगह पे सेम है, इनकम इनकम, एक्सपेंस एक्सपेंस, एक्सपेंस एक्सपेंस, जबकि सीडेड इन दोनों से उल्टा है। मतलब क्या हुआ, अगर कोई आपको क्वेश्चन पूछता है भैया आपकी इंश्योरेंस कंपनी का करंट ईयर का प्रीमियम इनकम कितना, व्हाट इज प्रीमियम इनकम ऑफ योर कंपनी फॉर करंट ईयर, तो हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स दैट प्रीमियम इनकम इज नथिंग बट प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस प्लस प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, और ये एक्सपेंस है तो इनकम में से वो माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस सीडेड। कोई भी एक कंपनी स्टूडेंट्स एक साथ सीड भी कर सकती है और एक्सेप्ट भी कर सकती है, वन पार्ट ऑफ द ईयर आप अगर ज्यादा ओवरलोडेड है, बिजनेस ज्यादा है, तो उस वक्त आप क्या करोगे, सीड करोगे। सीड करोगे मींस आप अपनी पॉलिसीज किसी और कंपनी को दे दोगे। और कई बार ऐसे भी होगा, कभी कभार हमारा बिजनेस स्लैक चल रहा है, अगर हमारा बिजनेस स्लैक चल रहा है तो हम किसी से बिजनेस एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये भी हो सकता है फायर इंश्योरेंस बिजनेस में आपका बहुत बड़ा नाम है, तो आपने वहां पे री इंश्योरेंस किसी को दिया, दिया मींस व्हाट, री इंश्योरेंस सीडेड, मराइन में हमारा नाम कम है तो मराइन इंश्योरेंस में हमने री इंश्योरेंस को एक्सेप्ट किया। सो वेरी मच पॉसिबल एक साल में तीनों तीन पॉसिबल हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द कंपनी, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द इकोनॉमी। इतना याद रखना है हम सबको, डायरेक्ट बिजनेस एंड एक्सेप्टेड गोज इन द सेम डायरेक्शन, इनकम इनकम, एक्सपेंस एक्सपेंस, एक्सपेंस एक्सपेंस, जबकि सीडेड है वो रिवर्स डायरेक्शन में आएगा, रिवर्स डायरेक्शन मीन्स उल्टा होगा। यानी कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको पूछ लिया जाए डायरेक्ट बिजनेस एक्सेप्टेड और सीडेड का रिलेशन समझाओ, तो सिंपल चीज ये बोल सकते हो डायरेक्ट बिजनेस प्लस एक्सेप्टेड माइनस सीडेड। डायरेक्ट बिजनेस में एक्सेप्टेड को प्लस करेंगे और सीडेड को माइनस कर देंगे। ये एक बेसिक आइडियोलॉजी हुई। अब हम एग्जांपल की ओर जाते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट टारगेट करेंगे हम रेवेन्यू अकाउंट, जो हमारी ICAI के लिए एक हॉट केक है। जितने क्वेश्चंस आज तक पूछे गए इंस्टीट्यूट के द्वारा एग्जाम्स में इंश्योरेंस कंपनी फाइनल के, मोर देन 95% क्वेश्चंस आर ऑन रेवेन्यू अकाउंट। जितना रेवेन्यू अकाउंट क्लियर होगा हमारा कंसेप्ट, उतने आगे के सम्स इजी पढ़ेंगे हमारे।
अब मैं आपको रेवेन्यू के कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूँ, सो प्लीज बी केयरफुल। इतना कॉपी कर लिया सब लोगों ने, ऑल ब्रांचेस? ऑपरेटर भिवंडी का कुछ वीडियो फ्रीज हुआ है, चेक कीजिए प्लीज। भिवंडी और ऑपरेटर इज ट्राइंग, प्लीज कंफर्म आपका वीडियो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। भिवंडी जरा चेक कर लीजिए प्लीज। भिवंडी आपके वहां पे बात कीजिए जरा, कोई यहां से तो क्लियर दिख रहा है। आराम से कॉपी कीजिए, मथुरा कोल्हापुर, टेक योर ओन टाइम। जैसे कॉपी होता है जरा प्लीज टेक्स्ट मैसेज छोड़ दीजिए, तो हम आगे बढ़े। भिवंडी योर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, ओके। औरंगाबाद टेक्स्ट बुक के लिए यू टू टॉक टू योर कोऑर्डिनेटर दर, काइंडली टॉक टू देम प्लीज। ऑल ब्रांचेस कॉपी कर लिया सबने, मथुरा IRDA इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज IRDA। क्लियर नाउ मथुरा? आगे बढ़े ऑल ब्रांचेस, आर यू रेडी प्लीज? वापी कैम बहुत धीमा छो भाई, ऑल ब्रांचेस रेडी नाउ? उज्जैन जय महाकाल, जल्दी नाउ एवरीबॉडी फाइन।
रतलाम अभी शाम की चिंता मत कीजिए, एग्जाम्पल आएगा तब मैं समझा दूंगा, अभी बेसिक फॉर्मेट पर ध्यान देना है सबको। स्टूडेंट्स, कंपनी फाइनल अकाउंट में जो भी अटैचमेंट हम बनाते थे उसे हम कहते थे नोट्स, नोट्स टू अकाउंट्स। इंश्योरेंस कंपनी और बैंकिंग में वर्ड होगा शेड्यूल्स, नोट्स के बदले वर्ड होगा शेड्यूल। अभी जो टेबल मैंने आपको दिखाया, डायरेक्ट बिजनेस, एक्सेप्टेड एंड सीडेड, उसमें डायरेक्ट बिजनेस में सबसे पहले इनकम हमने देखी थी प्रीमियम। आई विल से बिगेस्ट इनकम इज प्रीमियम अर्न्ड। अगर हम देखने जाए, इफ यू थिंक ऑफ ओके, सो प्रीमियम इनकम हम कैसे गिनेंगे? तो अभी 2 मिनट पहले मैंने समझाया, प्रीमियम इनकम इज नथिंग बट प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस प्लस प्रीमियम ऑन रीइंश्योरेंस एक्सेप्टेड एंड माइनस प्रीमियम ऑन रीइंश्योरेंस सीडेड। अभी कॉपी कुछ भी मत कीजिएगा, समझना है, उसके बाद जब मैं बोलूं तब कॉपी करना एक साथ आप सबको। सो अगर कोई आपको पूछे भैया प्रीमियम इनकम कितनी है आपकी, तो आई कैन से दैट प्रीमियम इनकम इज नथिंग बट प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस जिसमें हमें अमाउंट मिलता है, दैट इज अमाउंट रिसीव्ड, एड प्रीमियम ऑन रीइंश्योरेंस एक्सेप्टेड अमाउंट रिसीव्ड माइनस प्रीमियम ऑन रीइंश्योरेंस सीडेड। सीडेड में क्या होगा, प्रीमियम हमें भरना पड़ेगा, सो अमाउंट पेड। सो प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस प्लस प्रीमियम ऑन रीइंश्योरेंस एक्सेप्टेड